बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। भारत के खिलाफ गुरुवार 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले मीडिया से बातचीत में शाकिब ने कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में इस फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एंड मोर में, और आज हम बात करने वाले हैं शाकिब अल हसन के रिटायरमेंट के बारे में। शाकिब ने ऐलान किया कि अक्टूबर में मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेलेंगे, और अगर वर्तमान परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश में वो नहीं खेल पाते तो ग्रीन पार्क में भारत के खिलाफ टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। इतना ही नहीं, शाकिब ने वनडे खेलने को लेकर भी जवाब दिया है। शाकिब ने कहा कि वह चैंपियंस ट्रॉफी तक बांग्लादेश के लिए वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो कि फरवरी मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाना है। बता दें कि शाकिब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 129 मैचों की 126 पारियों में 149 विकेट चटकाए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में शाकिब का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में वो गेंदबाजी से एक भी विकेट नहीं ले पाए और बल्लेबाजी में क्रमशः 32 रन और 25 रन बनाए। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।